दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शाकिब अल हसन की घटिया हरकत को देख भड़क उठे नरेंद्र मोदी। आईसीसी से बैन लगाने और करोड़ों के जुर्माने को लेकर कई होश उड़ा देने वाली बात कही। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम को जीत मिली है, लेकिन इस बीच कप्तान शाकिब अल हसन की घटिया हरकत को देख पूरा क्रिकेट जगत शाकिब अल हसन के खिलाफ चला गया है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाकिब अल हसन को लेकर बड़ा बयान जारी किया। इस बीच उन्होंने शाकिब अल हसन की आईसीसी से बैन और करोड़ों के जुर्माने लगाने की मांग की और एक और ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाकिब अल हसन की घटिया हरकत को देख क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शाकिब अल हसन और रोहित शर्मा में से कौन है महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम को जीत मिली है। इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 279 रन पर 49.3 ओवर के अंदर बनाकर ऑल आउट कर दिया और उसका पीछा करते हुए लक्ष्य को 41.1 ओवर के अंदर 3 विकेट से हासिल कर लिया। हालांकि इस मैच में काफी बड़ा विवाद पैदा हो गया। दरअसल श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यू क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट के जरिए आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यू को लेट आने के कारण आउट करने की भी अपील की और नियम के तहत बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ा। ऐसे में अब शाकिब अल हसन के विरोध में पूरी दुनिया आ चुकी है। ऐसे में इस विवाद को देख अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आप को बयान देने से नहीं रोक पाए। इस बीच उन्होंने बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को फटकार लगाने के साथ उनको लेकर होश उड़ा देने वाला बयान जारी किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम को जीत मिली है। इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने जीत के बाद सभी को निराश किया है। हालांकि बांग्लादेश की टीम ने इस मैच में जीत हासिल की है, लेकिन इस मैच में जीत के बाद उन्होंने सभी को निराश कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि वो सिर्फ खेलने और जीतने के लिए ही मैदान पर उतरती है। इस मैच में जिस प्रकार से बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने खेल भावना को मैच से दूर रखते हुए एंजेलो मैथ्यूज को आउट किया है, वो बिल्कुल गलत है। भारतीय टीम की तरफ से ऐसी गलती कोई भी नहीं करता, लेकिन बांग्लादेश की टीम की तरफ से खुद कप्तान जैसे सीनियर खिलाड़ी ने खेल भावना को आहत करते हुए सभी को निराश किया है। इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान ने जो हरकत की है उसके खिलाफ मैं मौजूद हूं और मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ आईसीसी बड़ी से बड़ी कार्यवाही अवश्य करे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश की टीम को इस मैच में जीत मिल गई है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कप्तान ने अपनी टीम की बदनामी कराई है वो वास्तव में नेगेटिव पॉइंट बांग्लादेश की टीम के लिए साबित हुआ है। इस मैच में बांग्लादेश की टीम की जीत से और श्रीलंका की टीम की जीत से अंक तालिका में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को देर से आने के कारण आउट कराया और एम्पायर को समझने के बावजूद अपनी अमील वापस नहीं की। एंजेलो मैथ्यूज की मजबूरी को भी देखकर उनको तरस नहीं आया। उसको देखकर मुझे लग रहा है कि शाकिब अल हसन के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आईसीसी शाकिब अल हसन को आने वाले 3 या 4 मैच के लिए बैन कर दे और उन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दे, क्योंकि घटिया हरकत क्रिकेट जगत को शर्मसार करती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शाकिब अल हसन को आने वाले मैचों में बैन कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।